हेलो बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक में लेसन नंबर 2 नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये पाठ इम्पोर्टेंट है। हर साल इसमें से प्रश्न आते हैं, लेकिन थोड़ा सा जटिल है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको आपके लिए इजी बना सकूँ। ये है वर्ल्ड मैप बच्चों, आप लोग यहाँ बैठे हैं भारत में, अभी आपको ले चलते हैं यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप में। ये है बच्चों अफ्रीका महाद्वीप। इस अफ्रीका महाद्वीप में साउथ अफ्रीका नाम का एक देश है जो यहाँ है। इस पूरी पृथ्वी को यदि उत्तर से दक्षिण में आधा आधे दो भागों में बांटा जाए तो इस प्रकार से बंटेगा। धरती के बीचों बीच ऐसी एक रेखा हम खींच सकते हैं जिसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं। यह 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। यहाँ पर सूर्य की किरणें लगभग साल भर सीधी पड़ती है, इसलिए इस जगह पर गर्मी अधिक पड़ती है और यहाँ पर निवास करने वाले लोगों की त्वचा का रंग काला होता है। इस मानचित्र में बच्चों आप देख पा रहे हैं कि भूमध्य रेखा से भारत की जो दूरी है वो है 933 किलोमीटर। भारत का सबसे सुदूर दक्षिण जो राज्य है तमिलनाडु केरल, ये भूमध्य रेखा से 933 किलोमीटर की दूरी पर ही हैं, यानी सबसे नज़दीक यही क्षेत्र है। भारत का तमिलनाडु राज्य यहाँ है। ये है केरल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यहाँ है। आप देख पा रहे हैं बच्चों, भारत के केरल और तमिलनाडु भूमध्य रेखा से सबसे नज़दीक के राज्य हैं और जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सबसे दूर है भूमध्य रेखा से। अब बच्चों आप जम्मू कश्मीर के लोगों की त्वचा के रंग को गौर कीजिए। भूमध्य रेखा से अधिक दूरी, बर्फ़ से नज़दीकी, अर्थात त्वचा का रंग गोरा। भूमध्य रेखा से नज़दीकी अर्थात त्वचा का रंग काला। यह है दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है। यह क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी भाग से नज़दीक है, अर्थात दक्षिण अफ्रीका के निचले हिस्से के जो लोग हैं वो ठंडे प्रदेश में रहते हैं, बर्फ़ से उनकी नज़दीकी है अर्थात उनकी त्वचा का रंग गोरा होगा। और ऊपरी जो हिस्सा है दक्षिण अफ्रीका का वो भूमध्य रेखा से नज़दीक है, अर्थात जो उत्तर का हिस्सा है वहाँ के लोगों के त्वचा का रंग काला होने की संभावना है। ये हैं दक्षिण अफ्रीका के लोग, एक ही देश के निवासी जिनका रंग गोरा भी है और काला भी है। ये भी दक्षिण अफ्रीका के हैं और ये भी दक्षिण अफ्रीका के ही हैं। गोरे लोग यदि स्वयं को श्रेष्ठ समझें तो यह वाइट सुप्रीमसी कहलाता है। किसी देश के निवासियों के साथ यदि रंग के आधार पर भेदभाव किया जाए तो यह अपार्थाइड अर्थात रंग भेद की नीति कहलाता है। साउथ अफ्रीका में अंग्रेज़ कहाँ से आए, इसके पीछे एक कहानी यह भी है कि जब सोना और हीरे की खोज साउथ अफ्रीका में हुई तो अंग्रेज वहाँ पर आए, अर्थात यूरोपीय मूल के जो अंग्रेज है वही वहाँ के गोरे लोग हैं। अर्थात साउथ अफ्रीका के गोरे लोगों का जो मूल है वो यूरोपियन ओरिजिन से हैं। यह मैंने गूगल मैप से लिया है, आप इसमें देख पा रहे हैं अंटार्कटिका, दक्षिणी महासागर और उससे ऊपर ये है साउथ अफ्रीका। यह भूमध्य रेखा है, यह विश्व मानचित्र है बच्चों, और यह रेखा है भूमध्य रेखा जो धरती को दो बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा से ऊपरी भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और निचला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अब आप बताइए साउथ अफ्रीका किस गोलार्ध में है? ठीक बताया आपने, दक्षिणी अफ्रीका दक्षिणी गोलार्ध में है। नॉर्थ उत्तर, इसमें ERN जोड़ देने से बन जाता है नदर्न अर्थात उत्तरी। साउथ दक्षिण, इसमें ER जोड़ देने से बनता है सदर्न अर्थात दक्षिणी। गोलार्ध को अंग्रेजी में कहते हैं हेमिस्फीयर। साउथ अफ्रीका इज सिचुएटेड इन सदर्न हेमिस्फीयर। साउथ अफ्रीका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है।
यदि आप धैर्य के साथ इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे वादा करता हूं कि इस पाठ के सभी प्रश्न मैं आपको याद करवा दूंगा। दिए जा रहे शब्दों को आप अपनी नोटबुक में नोट करें और ये सुनिश्चित करें, ये सेंटेंसेस बोलें, ये आपके प्रश्नों के उत्तरों के आधार बनेंगे। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया जोहान्सबर्ग से ऊपर आपको दिखाई दे रही है, तो प्रिटोरिया में चलते हैं बच्चों, आइए। अब हम साउथ अफ्रीका की कैपिटल प्रिटोरिया शहर में आ गए हैं। यह है वो भवन जहाँ पे यह समारोह हुआ था, ये सेरेमनी जहाँ पे घटित हुई थी, नाम है इसका यूनियन बिल्डिंग। प्रश्न आ सकता है बच्चों, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, यह समारोह कहाँ हुआ था? यह समारोह यूनियन बिल्डिंग के अंदर हुआ था। यूनियन बिल्डिंग कोई छोटा मोटा भवन नहीं है, यह पार्क वगैरह सब कुछ आप देख रहे हैं, यूनियन बिल्डिंग ही है। यह सैंडस्टोन की बनी हुई है, यह है देखिए यूनियन बिल्डिंग, बलुआ पत्थर से बनी हुई है यूनियन बिल्डिंग। वर्तमान में यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी की मूर्ति लगी हुई है, यह आप देख रहे हैं, लोग सेल्फीज वगैरह ले रहे हैं, तो ये है नेल्सन मंडेला। यदि आप धैर्य के साथ इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो मेरी गारंटी है बच्चों, पाठ का कोई भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। यदि जीवन भर अतिशयोक्ति होगी तो बहुत लंबे समय तक कम से कम आप इसके प्रश्नों को भूल नहीं पाएंगे। प्रिजन जेल कैद कारागार, हु वॉज इन प्रिजन, जेल में कौन था? मंडेला वॉज इन प्रिजन, नेल्सन मंडेला वॉज इन प्रिजन। जिस सेरेमनी के बारे में आपके पाठ में बताया गया है वो यही है बच्चों, ये वो दिन आ गया है, ये मंडेला है। लाल कपड़ों में ये गोल घेरे वाली लड़की उनकी पुत्री है जेनानी। गौर करो बच्चों, ये गोरे अफसर मंडेला जी को सैल्यूट कर रहे हैं। वॉट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, मिलिट्री जनरल्स क्या करते हैं? तो आपने अभी अभी देखा ही था कि मिलिट्री जनरल्स मंडेला जी को सैल्यूट करते हैं और अपनी वफादारी की कसम खाते हैं। इस वाक्य को हम चार भागों में बांटेंगे। वॉट डब्ल्यू एच वर्ड है, डू एच वी, द मिलिट्री जनरल्स सब्जेक्ट, डू एम वी। उत्तर में सबसे पहले सब्जेक्ट उतारेंगे द मिलिट्री जनरल्स, अब वो मैन वर्ब उतारेंगे जो वो करते हैं, वे क्या करते हैं? सैल्यूट। किसको ऑब्जेक्ट रखेंगे? नेल्सन मंडेला। और दूसरा कार्य करते हैं इसलिए लगा देंगे एंड। दूसरा कार्य वो करते हैं प्लेज, पियर लॉयलिटी, अपनी वफादारी। द मिलिट्री जनरल्स सैल्यूट नेल्सन मंडेला एंड प्लेज दियर लॉयलिटी। हाउ हैज दियर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई, उनका नज़रिया कैसे बदल गया और ऐसा क्यों हुआ? तो इसमें हाउ डब्ल्यू एच वर्ड है, हैज एच वी है, दियर एटीट्यूड उनका नज़रिया सब्जेक्ट है, चेंज्ड मेन वर्ब है। तो हम कुछ पार्ट प्रश्न के अंदर से ही उठाते हैं और वो सबसे पहले लेते हैं सब्जेक्ट, देयर एटीट्यूड उनका नज़रिया। सूत्र आपको याद होगा, सब्जेक्ट प्लस एच वी लेंगे हैज, दी हुई है प्रश्न के अंदर ही, लेकिन इन्होंने सब्जेक्ट से पहले दिए, हमें बाद में लगाना है। दियर एटीट्यूड हैज कब बदल गया? अब, तो नाउ। मेन वर्ब जो है वो कि वो लगा देंगे चेंज्ड। पूछा क्या है? पूछा है हाउ, कैसे बदल गया? दियर एटीट्यूड हैज नाउ चेंज्ड, उनका नजरिया अब बदल गया, कारण ये है। कारण पूछा है हाउ, मतलब कारण पूछा है, तो इसलिए बदल गया क्योंकि अब वो राष्ट्रपति हैं। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज
कौन है राष्ट्रपति? मंडेला, बिकॉज मंडेला बन चुके हैं, हैज बिकम, एच यू लगाएंगे, हैज बिकम, थर्ड फॉर्म लगाएंगे बिकम, हैज बिकम प्रेजिडेंट, राष्ट्रपति, अब वो अफ्रीका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, इसलिए उनका नज़रिया बदल गया है। अब वे क्या कर रहे हैं? अब वे उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, अब वे उनको सल्यूट कर रहे हैं। नाउ दे, जो जनरल्स हैं सेना के, वे आर सल्यूटिंग, वो सल्यूट कर रहे हैं हिम, उनको, इंस्टेड, बजाय क्या करने के, अरेस्टिंग, अरेस्ट यानी गिरफ्तार करना, अरेस्ट करने के बजाय वो अब उनको सल्यूट कर रहे हैं। इस तरीके से उनका नज़रिया चेंज हो गया। टेक प्लेस, घटित होना, वेन डिड द सेरेमनी, समारोह है, टेक प्लेस, ये समारोह कब घटित हुआ, हुआ कब ये, तो वेन से पूछा है, कराएगा समय में, तो ये है डब्ल्यू एच वर्ड, एच वी, एच वी यदि डिड आए तो जो मैन वर्ब है उसकी सेकेंड फॉर्म आ जाएगी और डिड हट जाएगा। सब्जेक्ट है हमारे पास द सेरेमनी, ये भाग हम उठाएंगे प्रश्न से ही, लिखेंगे द सेरेमनी। टेक की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, टुक प्लेस, सेरेमनी घटित हुई, ये कार्यक्रम हुआ, तारीख से पहले ऑन लगाते हैं, ऑन 10th ऑफ मे, 10 मई 1994 को यह कार्यक्रम घटित हुआ था। यदि समय ने पूछे, अब समय पूछेगा तो देखिए सब्जेक्ट, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो सीधा आरपी आ गया है। यदि वो वेयर, कहाँ डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, समारोह कहाँ घटित हुआ, कहाँ घटित हुआ, तो आपको सारा स्थान भ्रमण करवा दिया है, स्थान पूछा है किस जगह पे हुआ है। यहाँ पे टेक प्लेस तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा, घटित होना। अब जो इसमें मेन काम आना है, देखिए फॉर्म, एक तो होता है फ्रॉम, एक होता है फॉर्म, फॉर्म होता है से, फॉर्म होता है बनाना, निर्माण करना, कोई भवन आदि बनाना, फॉर्म। तो कहाँ पे घटित हुआ था, आपको कुछ नाम याद आ रहे होंगे, मैंने आपको बताया था कि इसकी राजधानी है प्रिटोरिया, एक तो ये प्रिटोरिया में है, हम प्रिटोरिया शहर में गए थे। इसके अलावा वहाँ पर आपने एक चीज़ देखी थी, यूनियन बिल्डिंग देखी थी। इसके अलावा एक नाम आपको दिया था, स्पेलिंग काफ़ी बड़ी है, थोड़ा सा आप इजी कर सकते हो, आई के बाद आता है एम, आपको अब ओनली याद करना है फी, फी याद कर लीजिए, पी एच आई, आई के बाद आता है एम, फी जोड़ देंगे, और सिनेमा हॉल वाला थिएटर, थिएटर की तो इजी है, टर थियर, थिएटर अब जोड़ देंगे, एम्फी थिएटर। तो इसमें ये डब्ल्यू एच वर्ड है, डिड एच वी है, यदि डिड एच वी आए तो जो मेन वर्ब आई है उसकी सेकंड फॉर्म रखेंगे उत्तर में। द सेरेमनी सब्जेक्ट है, टेक प्लेस मेन वर्ब है, कुछ भाग तो हम प्रश्न के अंदर से ही ले लेंगे। लिखना शुरू करेंगे, पहला अक्षर कैपिटल, द सेरेमनी, टेक की जगह कर देंगे, टुक प्लेस, कार्यक्रम हुआ, इन, बार बार एक शब्द आया था लवली, प्यारा, बड़ा प्यारा सा भवन था, आपने देखा भी था, लवली, और किसका बना हुआ था, बलुआ पत्थर का, सैंडस्टोन का,
लवली सैंडस्टोन, लवली सैंडस्टोन का क्या बना हुआ था? एम्फीथिएटर। लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर बना हुआ था। यह बनाया किसके द्वारा गया था? फॉर्म्ड बाय, इसका निर्माण हुआ था यूनियन बिल्डिंग्स, इसका निर्माण किया था यूनियन बिल्डिंग ने, फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग। और कहाँ था? प्रीटोरिया में, इन प्रीटोरिया। प्रीटोरिया शहर का नाम है तो पहला अक्षर कैपिटल लिखेंगे। यदि इतना बड़ा उत्तर आपको याद नहीं हो रहा है तो केवल इतना कर सकते हैं, द सेरेमनी टुक प्लेस इन प्रीटोरिया। लेकिन पूरे नंबर आपको लेने हैं तो आप लिखेंगे इन लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, दे भी आप लगा सकते हो, इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रीटोरिया। व्हाट वाज द नेम ऑफ मंडेलाज डॉटर, मंडेला की पुत्री का क्या नाम था? व्हाट, डब्ल्यू एच वर्ड है, कभी भी हमें एग्जाम में नहीं लिखना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है? द नेम ऑफ मंडेलाज डॉटर, इतना बड़ा सब्जेक्ट है। वोज क्या है? वर्ब लिंकिंग है। सबसे पहले क्या रखेंगे? पहला अक्षर टी कैपिटल करते हुए लिखते हैं उत्तर, द नेम ऑफ मंडेलाज, मंडेला की डॉटर, पुत्री, सब्जेक्ट रख दिया। वर्ब लिंकिंग रखेंगे वॉज, जेड कैपिटल रखेंगे, जेनानी। मंडेला की पुत्री का नाम क्या था? जेनानी था। द इनॉग्रेशन, उद्घाटन, वॉज हेल्ड ऑन, रखा गया था, ये उद्घाटन कब हुआ था? तो तारीख आपको बड़ी अच्छे से याद हो गई होगी, 10th of May, 10 मई 1994. कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, क्या आप ऐसी किसी भवन का नाम बता सकते हो जो भारत में है और जो सैंडस्टोन से बना हुआ है? तो ऐसा पहला भवन है द पार्लियामेंट हाउस, संसद भवन। देर आर सो मैनी बिल्डिंग्स इन इंडिया, भारत में कई ऐसे भवन हैं मेड ऑफ सैंडस्टोन, जो सैंडस्टोन के बने हैं। दूसरा भवन है राष्ट्रपति भवन, द प्रेजिडेंट हाउस। द रेड फोर्ट, लाल किला। द जामा मस्जिद और जयपुर का, एंड जवाहर कला केंद्र जयपुर। व्हाट कलर्स आर देयर इन द फ्लैग ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, नए दक्षिणी अफ्रीका के झंडे में कौन कौन से रंग हैं? द कलर्स इन द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग आर, नए दक्षिणी अफ्रीका के झंडे में काला, लाल, हरा, नीला और गोल्ड, अर्थात सुनहरा कलर है। स्टूडेंट्स, यदि मेरा प्रयास आपको सिंसियर लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।